Mr. Mohcham Ali Khan is a professional bodybuilder. He has been awarded multiple national and international titles. He won a silver medal in Mr. World Bodybuilding Championship, in the heavyweight category. Mohcham began bodybuilding in 1994, at age 14. He won the silver medal at the Musclemania World Tour Competition 2008. Initially, Mohcham got a bronze in the Musclemania Championship, held in the USA. He was awarded the silver medal following a dope test in which his Chinese counterpart tested positive. Mohcham was honored with a prestigious national award, Bharat K. Anmol, at Dr. Ambedkar International Center, New Delhi. Recently, you have received Bharat K. Anmol Award at Dr. Ambedkar International Center, New Delhi. How are you feeling about it, sir? सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूँगा जो ऑर्गेनाइजेशन मुझे दिल्ली में बुलाए और भारत के अनमोल एक नेशनल अवार्ड मुझे मिला. और आप तमाम लोगों को मालूम है कि 30 इयर्स मेरे बॉडी बिल्डिंग में कंप्लीट हुए हैं 1993 से लेके 2023 तक. और इसके साथ साथ रेलवेज़ में मेरे 25 इयर्स कंप्लीट हुए एज ए स्पोर्ट्समैन साउथ सेंट्रल रेलवे में. तो मुझे बहुत खुशी हुई कि वहाँ पर मुझे डॉक्टर विजय कुमार शाहजी जो पद्मश्री अवार्डी है उन्होंने मुझे अवार्ड दिया. और डॉक्टर निज़ामुद्दीन ग्लोबल पीस एम्बेसडर उन्होंने मुझे वहाँ पर अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया. और तकरीबन इंडिया से 42 लोगों के अवार्ड दिया गया जिसमें मैं भी एक शामिल हूँ. तो मुझे बहुत खुशी हुई. आई एम वेरी मच हैप्पी फॉर दैट. व्हेन डिड यू स्टार्टेड योर फिटनेस जर्नी, कुड यू प्लीज़ टेल अस? मेरी फिटनेस जर्नी जो है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को मैं देखता था. आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर से मैं बहुत इंस्पायर था और मैं बहुत वीक था. तो मैं आर्नोल्ड की इंसाइक्लोपीडिया हुए देख के आर्नोल्ड से बहुत इम्प्रेस होके मैं उसके वीडियोस और उनकी मैगज़ीन पढ़ता था. तो मुझे ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला. फिर उसके बाद मैं अपनी बॉडी को वर्कआउट शुरू किया. पहले मैं मॉर्निंग में वर्कआउट किया करता था. फिर उसके बाद जब मेरी बॉडी में इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुआ तो मैं 2 times एक्सरसाइज करता था. तकरीबन बॉडी बिल्डर्स 2 times नहीं करते, मगर जब कंपटीशन होता जब करते. लेकिन मैं 2 times एक्सरसाइज शुरू कर दिया था. मुझे एक्चुअल मैं बाईपीसी का स्टूडेंट रहा तो मुझे घर वालों का ये था कि आप डॉक्टर बनना. मेरे चाचा का जो सऊदी अरब में रहते उन्हों और डैडी भी ये बोल रहे थे डॉक्टर का. मगर मेरे एक दिमाग में ये बात आई कि नहीं, बॉडी बिल्डिंग भी करना चाहिए. मैं इधर इंटरमीडिएट पढ़ते हुए मैं बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट किया तो मेरा पूरा इंटरेस्ट बॉडी बिल्डिंग में डाइवर्ट हुआ. तो मैं वहाँ से मिस्टर हैदराबाद, मिस्टर ट्विन सिटीज़ में मैं पार्टिसिपेट किया और एक कंपटीशन हुआ फ़ख्रे मिल्लत का दारुसलाम में. तो वहाँ पे मैं गया तो वहाँ पे मेरे को पहली कामयाबी वहाँ पर मुझे मिली. और हनुमान व्यायामशाला में मैं 2-3 times मैं पार्टिसिपेट किया मिस्टर तेलंगाना में. मुझे वहाँ पर पोजीशन नहीं आई लेकिन मैं उसके बाद और हार्डवर्क किया. और हार्डवर्क करते हुए मैं बॉडी बिल्डिंग में आगे बढ़ा और 94 से मैं अपनी कैटेगरी में मैं प्लेसेस लेना शुरू किया. मुझे मिस्टर हैदराबाद मिला, मिस्टर ट्विन सिटीज़ मिला, मिस्टर तेलंगाना मिला. फिर मैं मिस्टर साउथ इंडिया के लिए सेलेक्ट हुआ. फिर उसी दौरान मुझे आसाम में मिस्टर जूनियर इंडिया के लिए सेलेक्ट किया गया और तेलंगाना टीम का मुझे कैप्टन बनाया गया. तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट और बढ़ गया और उसके बाद मैं बॉडी बिल्डिंग को कंटिन्यू करता रहा. और आप तमाम लोगों को मालूम है कि आज भी हमारे जिम्स चल रहे हैं और मिस्टर वर्ल्ड सिल्वर मेडल मुझे हासिल हुआ लास्ट वेगस में 2008 नवंबर में. फिर उसके बाद मैंने प्रिपरेशन किया. यहाँ पर आने के बाद मुझे हमारे लालू प्रसाद यादव जो रेलवे मिनिस्टर थे उन्होंने प्रमोशन दिया और 5 lakh rupees का अनाउंसमेंट किया उस वक्त 2009 में. फिर मैं 2009 में मिस्टर यूनिवर्स मसलमेनिया यूनिवर्स किया. फ्लोरिडा गया मैं, फ्लोरिडा मियामी में वहाँ पर मैं पार्टिसिपेट किया और मुझे वहाँ पर 6th position हासिल हुई. तो मैं इसी बॉडी बिल्डिंग का जो सफ़र है 30 साल का जो सफ़र है वो बहुत कठिन मरहलों से गुजरा. क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि आप नॉर्मल डाइट पे आपका काम नहीं चलता तो आपको प्रोटीन डाइट लेना पड़ता है, हेवी डाइट लेना पड़ता है. तो बॉइल्ड एग्स है, चिकन है, फिश है, ग्रीन सलाद है, ओट्स है, ऑरेंजेस है. तो ये चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता. तो उसके लिए ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा था. और मैं मिस्टर वर्ल्ड के टाइम पे तमाम लोगों को मालूम है मैं बहुत
परेशान हुआ और मुझे स्पॉन्सर्स ढूंढना पड़ा। इधर बॉडी बिल्डिंग के लिए एक्सरसाइज करना था दिन में जिम में, और उसके बाद फिर मैं दिन में स्पॉन्सर्स के लिए उनसे इनसे बात करने के लिए निकल जाता था, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग ओलंपिक गेम नहीं है बोल के लोग उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे। लेकिन फिर मैं जब जाके अमेरिका मेडल लेके आया तो उसके बाद लोगों को मालूम हुआ कि ये भी एक स्पोर्ट है, इसको भी करना चाहिए, इसको भी सपोर्ट करना चाहिए। उसके बाद लोग आए, थोड़ी सपोर्ट मिली, फिर उसके बाद मैंने यूनिवर्स किया 2009 में। फिर 2009 के बाद आने के बाद इसी तरीके से मुझे 2010 में कोच बनाया गया इंडिया का, तो मैं इंडिया का कोच बना। और मुझे मेरी कोचिंग में मेरे अंडर में जो टीम गई थी लास वेगस 2010 में, जिसमें अपने सिटी से लक्ष्मण रेड्डी को गोल्ड मिला था और राजीव यादव को ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुआ था, तो मैंने वहाँ पर 4 मेडल हासिल किया एज ए कोच। लक्ष्मण रेड्डी, राजू यादव, प्रेम और एक एक बॉडी बिल्डर थे बॉम्बे के, 4 लोगों को मेडल हासिल हुआ और इंडिया का एक अच्छा नाम हो गया मसलमेनिया वर्ल्ड में। इंडिया को 4 मेडल नहीं आए थे, लेकिन मेरे अंडर में 4 मेडल आए, एक हिस्ट्री क्रिएट हुई। और उसके बाद लोगों का, आप तमाम लोगों को मालूम है कि 2010-2011 के बाद हैदराबाद सिटी में ख़ास तौर पर बॉडी बिल्डिंग का एक क्रेज़ पैदा हो गया, लोग जिम्स के अंदर और फिटनेस में ज़्यादा आने लगे। और आप लोगों को मालूम है कि मेरे अंडर में कई 100 बच्चे तैयार हुए, कई बच्चों को हमने ट्रेनिंग दी, उसमें मिस्टर इंडिया लिए बच्चे, फिर मसलमेनिया इंडिया लिए, और कई बच्चे अभी भी ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैं यंगस्टर से कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से मुझे आज 30 इयर्स के बाद बॉडी बिल्डिंग में भारत के अनमोल अवार्ड मुझे दिल्ली में जनपथ में हासिल हुआ, आप लोगों को भी ऐसे अवार्ड्स हासिल हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए कठिन मेहनत करना है, और मेहनत करते हुए अगर फिटनेस का ख्याल रखेंगे और मेहनत करते रहेंगे तो उसमें ऐसे अवार्ड्स आप लोगों को भी आ सकते हैं। कैन यू एक्सप्लेन अस बैलेंस फिटनेस रूटीन फॉर डे टू डे लाइफ? देखिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए फिटनेस बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैं लास्ट इंटरव्यू में मैंने कहा था कि एक जनरल आदमी अगर फिटनेस मेंटेन करना चाहता है तो उसको बॉडी के लिए 30-40 मिनट्स देना ज़रूरी है। 30-40 मिनट्स अगर वो देगा, कार्डियो करेगा, थोड़ी वेट ट्रेनिंग करेगा, थोड़े एरोबिक्स करेगा, तो उसको क्या होगा, 30-40 मिनट्स देगा तो उसकी बॉडी फिट होगी। तो ये 30-40 मिनट्स के साथ में सिर्फ फिटनेस के लिए ये इतना ही करना नहीं है, आपकी जो डाइट है, डाइट को प्लान करना है कि आपको कौन सी डाइट लेना है, प्रोटीन डाइट क्या लेना है, किस तरीके से लेना है। अगर बैलेंस डाइट लेना है तो आपको बॉइल्ड एग्स लेना है, चिकन लेना है, फिश लेना है, और वेजिटेबल सलाद लेना है, और आपके उसके साथ ओट्स लेना है, और ऑरेंजेस लेना है, और रात में सोने से पहले अगर कोई फैटी है, सोने से पहले अगर 1 कप पपाया खाता है तो उसका फैट बर्न होता है, और कोई ज़्यादा फैटी है तो मॉर्निंग वर्कआउट से पहले हनी लेना है या ब्लैक कॉफ़ी लेना है। हनी लेगा या ब्लैक कॉफ़ी लेगा तो उससे उसका जो फैट होगा वो बर्न होगा। और अगर कोई मसल बिल्ड करना चाहता है तो उसके लिए अलग डाइट चार्ट है, प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेना पड़ता है उसको। और ऐसा नहीं है कि खाली सिर्फ नॉन वेज ही लेके हम बॉडी बना सकते हैं, वेजिटेरियन में भी हम बॉडी बना सकते हैं। वेजिटेरियन में हम पूरे ड्राई फ्रूट्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कैशू नट्स है, वॉलनट्स है, एलमंड्स है, ये लेते हुए भी हम अपनी बॉडी को बिल्ड कर सकते हैं। और आप तमाम लोगों को मालूम है कि ये वेजिटेरियन डाइट और नॉन वेजिटेरियन डाइट दोनों में भी बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं, कोई इसके अंदर बहाना नहीं है फिटनेस को मेंटेन करने के लिए। जो मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, समझिए कि वो बीमारी को दावत दे रहे हैं। हाफ एन आवर एक्सरसाइज मस्ट है तमाम लोगों के लिए, हर एज के लिए, और लड़कों के लिए भी मस्ट है, लड़कियों के लिए भी मस्ट है, वुमेंस के लिए भी मस्ट है, मेंस के लिए भी मस्ट है, क्योंकि हर आदमी को अपनी फिटनेस मेंटेन करने के लिए, चाहे वो कोई भी एज हो। कई लोग पूछते हैं, अरे सर हमारी 45 हो गए, हम एज 42 हो गई। बाद जाने कहते, अरे सर हमारी शादी हो गई। ऐसा नहीं है, शादी होने के बाद या आपकी 40 प्लस होने के बाद, 50 प्लस होने के बाद भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन ख़ास तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा, ट्रेनर मस्ट है। ट्रेनर के बग़ैर जो एक्सरसाइज करता है उसको प्रॉब्लम आते हैं। जो ट्रेनर बताता है वो करना है। आजकल कई लड़के और कई लोग क्या है, ऑनलाइन में देख के करें,
ऐसा नहीं है, एक्सरसाइज को ऑनलाइन में देख के नहीं कर सकते। आपकी बॉडी का वेट, किसी की बॉडी का वेट 50 है, किसी का 60 है, किसी का 70 है, और इसके अंदर क्या होता है, 3 टाइप्स की बॉडी है, हर एक की बॉडी अलग अलग। अब आप एक जने फैटी रहते, एक जने थोड़ा मीडियम रहते, और एक जने थिन रहते, तो 3 टाइप्स ऑफ बॉडी है। एक है एक्टोमार्फ, एक्टोमार्फ बॉडी ऐसी रहती है, थिन रहती उनकी बॉडी, उनकी थिन बॉडी के हिसाब से उनको डाइट चार्ट और उनकी एक्सरसाइज बनाना पड़ता, उन्होंने कितना भी खाओ उनकी उनको उनका जो मसल है डेवलप होने के लिए एक्टोमार्फ के लिए ज़्यादा टाइम लगता। लेकिन वो अगर मसल को अगर वो करना चाह रहे हैं, मस्कुलर करना चाह रहे हैं, तो एक्टोमार्फ जो बॉडी है वो जल्दी मस्कुलर हो जाती, कटिंग आ जाती है उनकी बॉडी में। और एक बॉडी है इंडोमार्फ, इंडोमार्फ बॉडी में फैट ज़्यादा रहता, तो इंडोमार्फ बॉडी को फैट कम करने के लिए ज़्यादा एक्सरसाइज कराना पड़ता, उनका जो डाइट चार्ट है इंडोमार्फ के लिए अलग डाइट चार्ट उनकी बॉडी के हिसाब से देना पड़ता। और एक बॉडी है मेसोमार्फ, मेसोमार्फ बॉडी एक ऐसी बॉडी है कि जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपका मसल आप जितना चाहे बढ़ा सकते हैं, और वो उसके अंदर रिजल्ट जल्दी आता है। मेसोमार्फ में आप जितनी चाहे जल्दी बॉडी का मसल गेन कर सकते हैं, और जितना जल्दी चाहे वो आपकी बॉडी का फैट कम कर सकते हैं। वेट गेन भी मेसोमार्फ में जल्दी होता, वेट लॉस भी जल्दी होता, तो मेसोमार्फ बॉडी बहुत अच्छी बॉडी होती है। उसमें भी उनको उनकी बॉडी के हिसाब से देखते हुए उनको डाइट चार्ट देना पड़ता है और एक्सरसाइज उसके हिसाब से देना पड़ता है। मेरा ये सजेशन है, विदाउट ट्रेनर विदाउट कोच के कोई भी जिम हो या कहीं भी हो, एक्सरसाइज मत कीजिए, कोच की सलाह लेके, मशवरा लेके, एडवाइस लेके करिए। वी हैव सीन मेनी केसेस ऑफ बैक डिस्क इश्यूज फॉर एंकर, सो व्हाट एक्सरसाइज डू यू प्रिफर टू देम? देखिए, आजकल कई लोगों को बैक पेन बहुत हो रहा है, उसमें जो हमारा बॉडी का जो पोस्चर है, पोस्चर के हिसाब से बैठना है। जैसे अब ऐसे ये पोजीशन में बैठना है, कई लोग क्या करते हैं ऐसे बैठते हैं या ऐसे बैठते हैं, मतलब बिल्कुल अपनी बॉडी को पूरा ढलान दे के बैक के ऊपर वेट पड़ने के लिए ऐसे बैठ, तो आपका पोस्चर बॉडी का कभी भी कोशिश ये करना है कि पोस्चर आपका स्ट्रेट रहना है। और इसके अंदर हेवी वेट जो ट्रेनिंग है, हेवी वेट ट्रेनिंग, बैक पेन वाले हेवी वेट ट्रेनिंग नहीं कर सकते, तो बैक पेन के लिए बेंडिंग की जो एक्सरसाइज होती है, बेंडिंग की एक्सरसाइज भी नहीं कराते उनके लिए। पहले बैक पेन के लिए उनको थोड़ा फ्लोर एक्सरसाइज होती है, फ्लोर एक्सरसाइज उनको बताते हैं। फ्लोर एक्सरसाइज के बाद उनका जब बैक स्ट्रांग हो जाता, करने के काबिल हो जाता, तो उसके अंदर वेट ट्रेनिंग के डेडलिफ्ट है और दूसरे एक्सरसाइज है, उसमें उनको वो एक्सरसाइज बताते हैं। तो बैक पेन वाले मैं समझता हूँ कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे ट्रेनर के पास जाइए, अच्छे कोच के पास जाइए, वो आपको आपका बैक का जो पेन होता है वो कम कर देंगे। और कई लोगों को L3 L4 में गैप आ जाता है, और कभी डिस्क का प्रॉब्लम आता, कभी गाड़ी के ऊपर जाते आते डिस्क से ही वजह से अप डाउन हो जाता, तो उसमें भी बहुत प्रॉब्लम आता, तो उनको बेल्ट लगा के रखने के लिए डॉक्टर्स कहते हैं। फिर उसके बाद कई लोग ऐसे हैं कि वो पेन की वजह से ऑपरेशन के लिए, सर्जरी कराने के लिए डॉक्टर कहते हैं। तो मैं एडवाइस दूंगा तमाम लोगों को, सर्जरी का जो एडवाइस है वो लास्ट में रखिए। डॉक्टर अगर कहता है सर्जरी करना है, तो उसके अंदर आपके जो बैक के जो मसल होते हैं और वहाँ के जो वेंस होते हैं बिल्कुल बारीक बारीक होते हैं, L3 L4 के पास के जो वेंस होते हैं, तो उसमें आप अगर सर्जरी कराए, तो कई केसेस में हमने देखा कि उसमें अगर सर्जरी थोड़ी भी अगर फेल हो गई तो आपको ज़िंदगी भर बेड पे कर देती है। तो मैं सजेशन नहीं देता सर्जरी का, मैं यही कहता हूँ कि जिम में आइए, फ्लोर एक्सरसाइज कीजिए। मस्ट जो रात में भी काम कर रहे हैं, ज़्यादा बैठने का काम है, मैं उनसे कहूँगा कि आप एक्सरसाइज इसका हल है, आप कैसा भी एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज नहीं कर सकते जॉगिंग कीजिए, अगर एक्सरसाइज नहीं कर सकते कोई बैडमिंटन खेलिए, नहीं कर सकते टेबल टेनिस खेलिए, नहीं कर सकते योगा करिए, नहीं कर सकते एरोबिक्स करिए, मगर मस्ट आप 30 to 40 minutes यू हैव टू गिव योर बॉडी कंपल्सरी। अगर आप देंगे, हर एक के लिए एक्सरसाइज मैंडेटरी है, तो आप अगर करेंगे 30 to 40 minutes तो आपकी हेल्थ और आपका फिटनेस अच्छा होगा। लेकिन अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, विदाउट कोच विदाउट ट्रेनर प्लीज़ डोंट डू इट। रिसेंटली मेनी सेलिब्रिटीज आर एक्सपायर ड्यू टू हार्ट स्टॉप, डू यू थिंक बिकॉज ऑफ जिम? देखिए, एक्सरसाइज करने से कोई स्ट्रोक नहीं आता,
कोई हार्ट अटैक नहीं आता, उसके अंदर कुछ ना कुछ ये है कि आजकल जो एक्टर्स हैं या मॉडल्स हैं या कोई फिटनेस फ्रीक्स हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, अपनी बॉडी को कम करने के लिए, जल्दी करने के लिए वो लोग जल्दी कर रहे हैं कि आजकल कई ऐसे फैट बर्नर्स आ चुके हैं और प्री वर्कआउट मेडिसिन आ चुका है, जो प्री वर्कआउट लेके मेडिसिन करते हैं। तो उसमें दो चीज़ें होती है, एक आपका बीपी जो है एकदम हाई हो जाता है, जब आप प्री वर्कआउट लेके वर्कआउट करते हैं तो आपका बीपी हाई हो जाता, और बीपी जब हाई हो जाता, हाई होने के बाद भी आप जब वर्कआउट करते हैं तो उसकी वजह से मैं जो मेरा जो सर्वे है, मैं जो सर्च किया, मैं लोगों से बात किया, तो मुझे ये पता चला कि वो बीपी जब हाई हो जाता है, हाई होने की वजह से और प्री वर्कआउट लेने की वजह से कई लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, और कई लोग भूखे आके मॉर्निंग में जो एक्सरसाइज करते हैं, भूखे आके कार्डियो करते हैं, 45 मिनट्स कार्डियो करते हैं, भूखे रहते हैं, कुछ प्री वर्कआउट से पहले कुछ खाना है हमको, थोड़ा लाइट ड्राई फ्रूट या बॉइल्ड एग या ऑरेंजेस खा के एक्सरसाइज करना है हाफ एन आवर बिफोर एक्सरसाइज, लेकिन क्या है, बिल्कुल खाली पेट रात में भी वो भूखे थे, सुबह में भी भूखे रह के आके वर्कआउट जिम में कर रहे हैं, कोच से कुछ पूछते नहीं। कार्डियो में जिस तरीके से ट्रेडमिल है, अगर 20 मिनट्स ट्रेडमिल करना है तो कई लोग है जल्दी फैट कम होता समझ के वन ओवर कर रहे हैं, उसके अंदर क्रॉस ट्रेनर है 15-20 मिनट्स करना है, वन ओवर क्रॉस ट्रेनर कर रहे हैं। तो ये ज़्यादा एक्सरसाइज बगैर ट्रेनर के करने से और प्री वर्कआउट्स लेने की वजह से उनको हार्ट अटैक आ रहा है। दो चीज़ें हैं, या तो बीपी एकदम शूट अप होते ही आपको हार्ट अटैक आता, या किसी का बीपी एकदम डाउन हो जाता, लो हो जाता, तो उसकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है। मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ आप लोगों को कि ट्रेनर से पूछिए, ट्रेनर से डाइट चार्ट बना के लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। मंतोष रॉय, मनोहर एच, जो हमारे इंडिया के 95 ईयर्स तक भी वो एक्सरसाइज करते थे, मनोहर एच, पॉकेट मिस्टर यूनिवर्स, इंडिया के लिए हमारे लिए एग्जाम्पल है, हमको बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है कि भाई वो बॉडी बिल्डर ऐसा करा, या हमारे इंडिया के मनोहर एच जो पॉकेट मिस्टर यूनिवर्स थे, 94 ईयर्स की एज में भी वो डंबल करते थे, एक्सरसाइज करते थे, 94 ईयर्स तक एक्सरसाइज करे और 94 ईयर्स में वो स्टेज पे आके अपना मज़ल बताते थे। तो एक्सरसाइज की वजह से हार्ट अटैक नहीं आता। जो शॉर्टकट जाना चाहता है, जो जल्दी अपनी बॉडी को रैपिड तरीके से बर्न करना चाहता है अपने मसल को, उसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। और प्री वर्कआउट्स और जो जो भी चीज़ें मार्केट में आ रही है, मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, प्लीज़ अवॉइड मेडिसन्स, प्लीज़ अवॉइड सप्लीमेंट्स, प्लीज़ टेक प्रोटीन फूड, नेचुरल फूड, प्लीज़ टेक बॉइल्ड एग्स, प्लीज़ टेक चिकन, प्लीज़ टेक ग्रीन सलाद, प्लीज़ टेक ओट्स, ये हमारे लिए नेचुरल में ये हमारे लिए काफ़ी है। वॉट काइंड ऑफ मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू यंगस्टर्स? हाँ, यूथ के लिए जो मैसेज है, मैं तमाम यंगस्टर से कहना चाहूँगा कि हमारे पास जो मोबाइल आ चुका है, ये मोबाइल का ज़्यादा यूसेज कर रहे हैं और रात में देर से सो रहे हैं। मैं तमाम लोगों से कहना चाहूँगा, रात का जो देर से सोना है वो हमारी हेल्थ के लिए सबसे बड़ा नुकसान है। हेल्थ के लिए नुकसान इसलिए है, 10:30 से लेके 3:30 तक जो टाइम है, वो टाइम पे हमारे सिस्टम को रेस्ट देने की ज़रूरत है। हमारे सिस्टम को हम अगर रेस्ट देंगे तो हमारा सिस्टम, वो टाइम पे हम रेस्ट देने के बाद वो सिस्टम काम करता है। जो भी आपका मसल डेवलपमेंट है, जो भी आपका ग्रोथ है, वो आप रेस्ट देते हैं तो होता है। हम क्या कर रहे हैं, 10:30 से 3:30 तक हमको सोना है, मगर कई यंगस्टर्स मैं सुनने में आता है, कॉलेजेस के, स्कूल्स के भी, 9th-10th के बच्चे भी 2 बजे रात तक जग रहे हैं, 3 बजे रात तक जग रहे हैं। तो आपका जो सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है। पहले रात का जो जगना है इसको कम कीजिए, आप 10:30 to 11 तक आप सो जाइए, अर्ली मॉर्निंग उठिए, 4 o'clock को उठिए, 4:30 को उठिए आप, 4:30 के बाद उठ के आप अपने काम कीजिए। तमाम लोगों को मालूम है, प्रोवर्ब है, हम छोटे रहने से टीचर्स हमको बताते थे कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ये प्रोवर्ब के ऊपर हमको सोचना है। क्यों बोलते थे, क्योंकि हर किताब में लिखा हुआ है कि जल्दी सोए सोने वाले की हेल्थ अच्छी होती, और रात की नींद जो होती वो रात की नींद बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं यंगस्टर से कहना चाहूँगा, आजकल मैंने सुना कि गुटखा, पान, सिगरेट, चाय और कई बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, वो हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक है।
स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, सिगरेट की डब्बी पे तो अब तक तो इतना डायरेक्ट वो लोग बता रहे हैं फोटो डाल के कि इससे ये कॉज हो सकता है, आपके लंग्स डैमेज हो सकते हैं, आपको कैंसर हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद बच्चे ये चीज़ों में मुलविस हो रहे हैं। मैं यंगस्टर से कहना चाहूँगा, हेल्दी लाइफ गुजारिए, खुश रहिए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, अपने घर वालों का, अपने स्टेट का, अपने इंडिया का नाम रोशन करने की कोशिश कीजिए। मेरा यही मैसेज है तमाम यंगस्टर से, जल्दी सोइए और मेहनत कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।